Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan and today we are going to start with the part 4 of chapter number 3, Metals and Nonmetals. So, ये हमारी class 10 का first unit का chapter number 3 है जो हम कर रहे हैं Metals and Nonmetals. So, इसके हम तीन parts, तीन videos इसकी already आ चुकी हैं. मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियोस एंड देन कम बैक टू दिस पार्ट वीडियो एंड कीप लर्निंग न्यू स्टफ. यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट आर द कंटेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस पार्ट. हम बात कर रहे थे मेटल्स की और नॉन मेटल्स. अब हम बात करने वाले हैं मेटल्स की अक्रेंस हमारी अर्थ में. यू ऑल नो हमारी अर्थ में जो मेटल्स हैं बहुत ज्यादा, हमारे बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं हमारी अर्थ में बहुत तरह से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. तो हमारी अर्थ इज लाइक किस किस फॉर्म में पड़े हुए हैं, किस तरह से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम यूज में लेकर आते हैं. ठीक है, तो जो अभी तक हम लोग गोल्ड सिल्वर पहनते हैं, डायमंड यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, कितनी तरह की इसकी हमारी यूजेस हैं, हमारी एप्लीकेशंस हैं इन सब चीजों की हमारी रूटीन लाइफ में. तो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर ये चीजें ना होती तो हमारी जिंदगी कैसे चलती, राइट? तो अगर आप सोचें ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, सो दे ऑल कम फ्रॉम अर्थ, सो नेचर, सो दे आर ऑल प्रेजेंट इन नेचर, दे ऑल कम फ्रॉम अर्थ. अर्थ में से लेके आने के लिए हाउ हाउ व्हाट आर द प्रोसेसेस, किस तरह से उसको निकाला जाता है, किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड देन हाउ दे कैन बी रिफाइंड सो दैट वी कैन यूज देम. ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स. सो ओनली सम अनरिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेचर में. बिकॉज हमने पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग कर चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हम देख चुके हैं कि कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. दे डोंट रिएक्ट विद द वॉटर एंड दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर तो वो बिल्कुल भी नहीं करते. सो दैट्स वाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव. और लीस्ट रिएक्टिव है तो वो इंडिविजुअली फ्रीली भी पड़े होते हैं हमारी अर्थ में. ठीक है, तो बट अदर मेटल जो ज्यादा मीडियम रिएक्टिविटी या ज्यादा हाइयर रिएक्टिविटी है, हाइएस्ट रिएक्टिविटी है जिनकी, तो वो एक दूसरे मेटल्स के साथ पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अकेले फ्रीली नहीं पड़े होते, दे आर प्रेजेंट विद द अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म पोर्स. ठीक है, उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन सबको हम लोग देखते हैं. सो पहले हम बात कर लेते हैं सोर्स की. तो सोर्स क्या है मेटल्स का, is present in earth's crust या फिर sea water में, है ना? We have two sources of the metals. One is earth's crust and another one is sea water. So how they are present? They are basically present in the form of ores. Only some of them are present freely, which are very little reactive. Okay, those are present freely in the earth's crust or sea water. But most of them are present in the form of ores. ठीक है? तो जो सी वाटर में, अगर अर्थ क्रस्ट में तो सारे के सारे ही तकरीबन पड़े हैं, बट सी वाटर में जैसे कि हम लोग जो सॉल्ट्स से निकालते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये वाले जो सॉल्ट्स हैं ये हमारे हमें सी वाटर से मिलते हैं. तो आपको दो टर्म्स आ जाती हैं आपके क्वेश्चंस में, वन वन मार्क्स में. दे कैन कम व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर ओर्स. सो दीज टर्म्स आर इम्पोर्टेंट. सो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट. मिनरल्स क्या होते हैं, तो जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है ना, जितने भी मेटल्स हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, ठीक है, नेचुरली अकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में या सी वाटर में, और जिनकी एक यूनिफॉर्म कम्पोजिशन है, ठीक है, एक बेसिक कम्पोजिशन है उनकी, स्टैंडर्ड कम्पोजिशन है, उन सबको हम मिनरल्स कहते हैं, जे आर अनटच्ड. ठीक है, पर जो मिनरल्स हम मेटल से, ठीक है, जो मिनरल्स हम मेटल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं खुद के यूज के लिए, खुद की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, खुद की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, उनको ओर्स बोला जाता है. ठीक है, यू गॉट इट, विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट और अंडर सी वाटर, उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं जिनकी एक नेचुरल यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है. बट दोज विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल्स, विच कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड सो दैट वी कैन यूज देम फॉर अस, फॉर अवर लाइफ, फॉर अवर बेनिफिट्स, तो उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं. ठीक है, अब
रिएक्टिविटी के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो लीस्ट रिएक्टिव हो गए, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पड़े हुए, उनमें से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आ गए, ठीक है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है ये ज्यादातर फ्री स्टेट में पड़े हुए हैं, ज्यादातर, बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और ऑक्साइड के ओर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट। ज्यादातर तो फ्रीली पड़े होते हैं, बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। सो स्पेसिफिक नहीं है, तभी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, क्योंकि उसका यूज है हमारी लाइफ में। एंड मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करें, जो मीडियम मिडल साइड पे पड़े हुए थे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो मीडियम रिएक्टिव होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। ये इन तीन फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो गए जिंक, आयरन और लेड। अब हम बात कर लेते हैं जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की बात कर रहे थे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये फ्री स्टेट में कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दे ऑलवेज रिएक्ट विद अदर्स। सो ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन नेचर। तो इनकी एक्सट्रैक्शन जो है, इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस तरह के डिफरेंट मेथड्स हमको एक्सट्रैक्ट करने के, उनको हम देखते हैं वन बाय वन, कि जो जितना रिएक्टिव है उस हिसाब से उसकी एक्सट्रैक्शन का मेथड वेरी करता है। सो हम बात कर रहे हैं अगर कंबाइंड वे में, तो कुछ मेजर स्टेप्स, थ्री मेजर स्टेप्स आते हैं एक मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ये वाला स्टेप हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, कैसे उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो एक टर्म होती है गैंज, आई डोंट नो हाउ टू यूज स्पेल इट, GANGUE, ठीक है। ये क्या होती है, ये भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है। देन इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल, उसको मेटल, उसके ओर से उसको मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड वो मेटल में कन्वर्ट होने के बाद भी पूरा का पूरा प्योर नहीं हुआ, इट स्टिल हैज सम इम्प्योरिटीज लेफ्ट। तो थर्ड स्टेप आता है रिफाइनिंग, उस इम्प्योर मेटल को एक क्रूड मेटल में कैसे रिफाइन किया जाता है ताकि उसकी फर्दर यूसेज की जा सके। सो देयर आर सम स्टेप्स, सो लेट्स सी वन बाय वन कि कौन से मेटल के लिए, कौन से रिएक्टिव मेटल के लिए कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये एक टेबल बना रखा है यहाँ पे, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन बता रखी है कि सबसे पहले जो लो रिएक्टिव हम बात करें, ये एक हो गया हाई रिएक्टिव वन, सेकेंड हो गया मीडियम रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज में टू, देन हो गया लो रिएक्टिव दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज थ्री। तो जो थ्री वाली रिएक्टिविटी सीरीज है, ये तो हमने बोला कि ज्यादातर तो ये फ्री स्टेट में पड़े होते हैं, बट समटाइम दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सल्फाइड फॉर्म, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सल्फाइड ओर्स को एक टर्म आती है रोस्टिंग, इसको हम पढ़ेंगे आगे। इसको रोस्टिंग करके इसको मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी फर्दर रिफाइनिंग की जाती है, ठीक है। देन आते हैं हमारे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ये तो हमने देख लिए लो वाले। तो जो हाई रिएक्टिव होते हैं वो ज्यादातर ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वो अकेले कभी भी फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है जिसे। तो एनोड और कैथोड, ये आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है इसकी, मोल्टन ओर्स की। उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्योर मेटल की फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद फिर वो प्योर मेटल की फॉर्म में आ जाता है। बट जो मीडियम रिएक्टिव वाले हमारे मेटल्स हैं, वो या तो फर्दर कार्बोनेट्स की फॉर्म में होंगे या फिर सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स होते हैं ना, इनको एक्सट्रैक्ट तो कर लिया जाता है, बट इसको पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि ये कार्बोनेट्स और ये सल्फाइड्स, इनको भी कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में, इनको भी रिड्यूस किया जाता है ऑक्साइड्स में। तो ये स्टेप जो है इन्वॉल्व रहता है किस तरह से, ABC। देन ये सी स्टेप आ गया, ABC। तो ए जो हो गया कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फाइड में, किसी भी फॉर्म में कोई भी प्रेजेंट हो सकता है।
तो जो ये कार्बोनेट फॉर्म को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप होता है कैल्सीनेशन, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलता है कैल्सीनेशन, और जो सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं रोस्टिंग। सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप को बोला जाता है रोस्टिंग। इसके बाद जब ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए तो इनको फर्दर रिड्यूस किया जाता है मेटल्स में, और वो मेटल स्टिल इम्प्योर है उसको प्यूरिफाई किया जाता है ताकि हम लोग उसको यूज कर सकें। सो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सो पहला स्टेप क्या आता है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनमें सबसे पहली इम्प्योरिटी किसको रिमूव किया जाता है, सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट्स। जब माइन की जाती है, माइनिंग की जाती है ओर्स की, निकाले जाते हैं उसको, तो सबसे पहले ये वाली इम्प्योरिटीज होती है। सो इन इम्प्योरिटीज के साथ जो ओर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है गैंक। ठीक है, तो ये वाला वर्ड इन मेटल्स को इन इम्प्योरिटीज के साथ, मतलब जब मेटल्स इन इम्प्योरिटी ओर्स इन इम्प्योरिटीज के साथ जब निकाले जाते हैं तो उसको बोला जाता है गैंक। So this term is important. So this can come in your exams. Okay. Then ये जो होते हैं ये impurities हैं, इन impurities को पहले remove किया जाता है और उस step को बोला जाता है concentration of ores. ठीक है, so first of all concentration done की जाती है ताकि impurities को remove कर सके। उसके बाद इस concentration is done to remove impurities from ores, और उस concentration of ores वाले steps को बोला जाता है enrichment of ores. उसको हम लोग एनरिच कर दिया। फिर प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन जो है हमारा फर्दर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे ओर्स की डिपेंड करता है। तो कुछ और मेथड यूज किए जाते हैं जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस हो गया, ताकि वो इनकी फर्दर इसको कंसंट्रेट करने के लिए हम यूज करें। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में क्या होता है कि जो हमारे ओर्स होते हैं, ये देखिए इसमें किस तरह से इसको क्लीन किया जाता है, हाइड्रोलिक क्लासिफाई हो गया ये। तो ये जब ओर्स निकाले गए तो इसके ऊपर ये डाला जाता है किस तरह से उसकी हैवीनेस और उसके हिसाब से वो लोग सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जो हैवीएस्ट ओर होता है हमारा वो यहाँ रह जाता है, और इसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो लाइटर होती हैं, तो वो साइड से निकल जाती है। सो हाउ दिस इज हाउ कंसेंट्रेशन ऑफ ओर इज डन। Then is the second step, that is conversion of concentrated ore into crude metal. तो concentrated ore जो है उसको metals में convert किस तरह से किया जाता है? तो सबसे पहले अगर कोई भी metal ores है तो preferably उसको उसकी oxides में convert किया जाता है, because metals को उसके oxides से obtain करना it's an easy step. So always metal ores are converted into their oxides form. जैसे कि ऑक्साइड्स, हमने रिएक्शंस पढ़ी है ना मेटल्स की, ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं। मेटल ऑक्साइड से वापस हमें मेटल लेना आसान होता है। ठीक है, तो जो भी ओर सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं तो उसको पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में। तो उसके बाद जो वो मिलते हैं उनको फर्दर रिडक्शन वाला स्टेप होता है, फर्दर उनको रिड्यूस किया जाता है ताकि हमें प्योर मेटल्स मिल सके। तो रोस्टिंग क्या रहता है कि कोई भी जो सल्फाइड ओर्स, जो भी मेटल सल्फाइड ओर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में, उनको एक्सेस एयर की प्रेजेंस में वहां से ऑक्सीजन ले लिया जाता है, उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। सो हाउ दे आर डन, लाइक यू कैन सी हियर, सो किस तरह से किया जाता है, तो ये जिंक सल्फाइड हो गया हमारा, ये ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हमें इससे जिंक निकालना है। किस तरह से हम करेंगे, इसको पहले ऑक्सीजन से हम लोग ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे, ये सल्फाइड से ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सल्फाइड से इसकी ऑक्साइड बन गया, तो इसका इस स्टेप को क्या बोला जाता है, रोस्टिंग। ठीक है, जब किसी सल्फाइड ओर को उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए बाय हीटिंग, दैट इज टर्म्ड एज रोस्टिंग। देन इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज डन टू द कार्बोनेट ओर्स। जो भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की प्रेजेंस में उसको उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो दैट आर कॉल्ड एज कैल्सिनेशन, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज कैल्सिनेशन।
जब जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हीट करके उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको बोला जाता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। सो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आपको एक कंपैरिजन भी आ सकता है। सो यू शुड नो कि कौन सा दोनों ने ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बट कौन सा कार्बोनेट वाला कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है उसको, कैल्सिनेशन वाला कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट है। सी टू सी याद रखना, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट, और रोस्टिंग वाला सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर, ठीक है। देन इज द डिफरेंस, ये आ जाता है आपको एक डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में। तो रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ मेटल और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन इट इज इन लिमिटेड एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक्सेस एयर में करा जाता है, ये लिमिटेड एयर और ऑक्सीजन में। इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एयर चाहिए, इसको लिमिटेड अमाउंट चाहिए। ये सल्फाइड ओर्स के लिए, ये कार्बोनेट ओर्स के लिए। ये टॉक्सिक गैसेस और सब्सटेंसेस रिलीज करता है, ये कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इट्स कंपैरिजन। देन इज द अनदर स्टेप, जो रिडक्शन हमने पढ़ा, रिडक्शन रहता है, उसमें क्या होता है कि जो ये ऑक्साइड मिलते हैं हमें, इसको फर्दर हीट किया जाता है ताकि इनको मेटल्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। सो दिस इज स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, हमने कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स पढ़ लिया, पहले तो उसकी इम्प्योरिटीज, सिंपल इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है, देन उसके बाद हमने जितने भी कार्बोनेट्स या सल्फाइड फॉर्म में ओर्स प्रेजेंट होते हैं उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना आसान रहता है। देन ये हमने इस पार्ट में किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सट्रैक्शन करने वाले मेटल्स की लीस्ट रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव जो है उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाएगी, उसकी रिफाइनिंग कैसे की जाएगी। देन करोजन हमने पहले भी लास्ट में भी पढ़ा था, इसमें फिर से आ गया है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में है पढ़ेंगे। देन अलॉयज के बारे में हम लोग जानेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू विद द न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर।